बेटा, आवाज आ रही है आपको? कैन यू यस सर, रिस्पॉन्ड मी? जी, यस सर। बिस्मिल्लाह। मुझे थोड़ा सा रिकॉल करवाएंगे कि हमारी लास्ट जो क्लास आपसे हुई थी उसमें हमने क्या डिस्कस किया था। आप वो क्लास हैं जिनके साथ हमारी लेक्चर थिएटर में डिस्कशन हुई? यस सर। जी, तो मैं मेरे ख्याल से आपको ये चैप्टर जो मैंने शुरू किया था, दैट इज ओवरव्यू ऑफ एनिमल डाइवर्सिटी, इसके अंदर कुछ बेसिक चीजें बता रहा था कि एनिमल हम कहते जिसको हैं, एक मल्टी सेलुलरिटी है, बाकी कुछ कैरेक्टर हैं जो उनको एनिमल बनाते हैं, और उनकी डेवलपमेंट, उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, और जो स्पेशलाइजेशन है कि एनिमल जब सेल से शुरू होता है, यानी जायगोट से लेकर उसकी एक इंडिविजुअल वजूद तक जितनी उसके अंदर डेवलपमेंट होती है और स्पेशलाइजेशन होती है, ऑर्गन स्पेसिफिसिटी है और टिश्यू स्पेसिफिसिटी है, ये फंक्शन और उनके फीचर्स के दरमियान एक कोलेबोरेशन है, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया कि तमाम एनिमल्स मोर और लेस वो सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से वो आगे बढ़ते हैं, और जब जायगोट बन जाता है तो उसके बाद उसमें फर्स्ट क्लीवेज होती है, फिर ब्लास्टुला बनता है, गैस्टुलेशन होती है, जिसके नतीजे में गैस्टुला या लेयर्ड एक वजूद जो है वो आता है, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इन लेयर्स जो हैं वो बॉडी की, उनसे मुख्तलिफ ऑर्गन्स और सिस्टम वजूद में आते हैं। लेकिन कुछ के अंदर हम देखते हैं कि नॉर्मल डिवेलपमेंट नहीं होती है, बल्कि वहाँ पे मेटामॉर्फोसिस है, जिसको हम देखें कि अंडा है, लार्वा है, प्यूपा है, उसके बाद एडल्ट वजूद में आता है। तो ये हमने डिस्कस किया। एक एनिमल दूसरे एनिमल से मुख्तलिफ क्यों होता है, उसकी शक्ल के अतबार से, उसकी फिजियोलॉजी के अतबार से? तो हम सबसे जो फंडामेंटल क्वेश्चन है कि किसी भी एनिमल की स्पीशीज की जो फॉर्म है ना, कि कुत्ता ऐसे दिखता है, बिल्ली ऐसे दिखती है, जानवर बाकी ऐसे दिखते हैं, इंसान ऐसे दिखते हैं, तो क्या चीज़ है कि जो किसी भी एनिमल को ऐसा बनाती है? तो उसके लिए ये कहा गया था कि इनके अंदर एक ग्रुप ऑफ जीन्स हैं जिसको हम हॉक्स जीन कहते हैं। ये हॉक्स जीन बेसिकली किसी भी एनिमल की फॉर्म को डिफाइन करते हैं। अच्छा, फिर हम बात कर रहे थे कि अगर हम एनिमल की हिस्ट्री के ऊपर बात करें तो वो लाइफ की हिस्ट्री के ऊपर सवाल पैदा होता है कि ज़मीन के ऊपर लाइफ की हिस्ट्री कितनी है। लाइफ की हिस्ट्री, ये कॉन्सेंसस है साइंस के इसके ऊपर, के तकरीबन 3.5 बिलियन ईयर्स अगो लाइफ केम इन टू बीइंग ऑन अर्थ, जबकि खुद ज़मीन की जो उम्र है वो 4.5 अरब साल है, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो दिस अर्थ केम इन टू बीइंग। तो 1 साल तक का माहौल ऐसा नहीं था कि उसके ऊपर ज़िंदगी जो है वो पैदा हो सके, ये ग्रो कर सके। तो 1 साल के बाद ज़िंदगी, लेकिन वो ज़िंदगी ऐसे नहीं थी जैसे आज हम देखते हैं, बहुत प्राइमोर्डियल फॉर्म ऑफ लाइफ थी। तो लाइफ की जो अर्ली फॉर्म है उनके बारे में बेशुमार स्पेकुलेशंस हैं। अब एनिमल के ऊपर अगर हम बात करें तो वो पूरे 3.5 बिलियन साल की बात नहीं है, कि जो हम आज से लेकर पीछे 1.5 बिलियन साल है ना, यानी 500 मिलियन ईयर्स अगो, 1,000 मिलियन साल का 1 बिलियन साल बनता है, ये 500 मिलियन साल जो है ना, ये एनिमल लाइफ को ज़्यादा डिस्कस करती हैं, और इसके अंदर हमें एनिमल लाइफ के जो हैं वो ट्रेसेस नज़र आते हैं पिछले 500 मिलियन सालों में। तो इन 550 मिलियन साल यहाँ पे लिखा है, 542 से लेकर, सॉरी, 1 बिलियन से लेकर 542 साल तक का जो ईरा है, इसमें हमें एनिमल नज़र नहीं आते हैं, बल्कि यूं है कि एक इडियाकॉर्न बायोटा जो ऑस्ट्रेलियन हिल्स के ऊपर डिस्कवर किया गया और लाइफ के ट्रेसेस नज़र आए, देवर लाइक एनिमल्स, वो मल्टी सेलुलर नज़र आए, और उनको जिस ईरा को हम देख रहे हैं जिसमें इडियाकॉर्न बायोटा नज़र आता है, दैट इज कॉल्ड एज न्यू प्रोटेरोजोइक ईरा, दैट इज अबाउट 1 बिलियन एंड बिटवीन 542 मिलियन ईयर्स अगो। तो दिस वॉज द एज जहाँ आपको ऑस्ट्रेलियन हिल्स में ये नज़र आता है। उसकी ये ट्रेसेस ऐसे थे जैसे आपको यहाँ पे एक लीफ लाइक इम्प्रिंट नज़र आ रहा है, या दूसरा एक स्पाइरल फ्लावर की तरह का जो है वो इम्प्रिंट नज़र आता है, जो उनकी जिस एनिमल का भी है, जिस बायोटा का ये है, उसकी शेप को वाजे करता हुआ नज़र आता है। अच्छा, इससे बाद आगे बढ़ते हैं तो फिर ज़िंदगी में एक बूम आता है, एक एक्सप्लोजन होता है, और ये 535 से लेकर 525
मिलियन साल के दरमियान में एक अरसा है जिसको हम पेलियोज़ोइक ईरा के अंदर पढ़ते हैं, और यहाँ ये वाकया होता है जिसको कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन का नाम दिया जाता है, यानी अर्लीस्ट फॉसिल अपीयरेंस ऑफ मेजर लिविंग एनिमल जो हैं वो फॉसिल रिकॉर्ड वहाँ पे नज़र आता है। और जब हम उनकी उम्र तलाश की गई तो वो मैंने अर्ज किया कि 535 और 525 मिलियन साल के दरमियान नज़र आती है। अब इसके बारे में बेशुमार हाइपोथीसिस हैं, यानी गुमान यह किया जाता है कि उस ज़माने में ऐसा हुआ होगा जिसके नतीजे में लाइफ जो है वो एकदम से एक्सप्लोर कर रही है और बहुत मल्टीप्लाई कर रही है। तो ज़ाहिर है एक तो ये कहा गया कि उस ज़माने में ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा थी जिसके नतीजे में लाइफ जो है वो उसको सपोर्ट मिली और वो ग्रो कर रही है। तीसरा ये हुआ कि जो ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स जिसको हम जिम्मेदार करार दे रहे हैं कि ज़िंदगी की जो मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं उनको वो डिफाइन करते हैं, उनको वो बनाते हैं, तो वो जो है वो मतलब हॉक्स जीन हैं बेसिकली। तो उनके अंदर एवोल्यूशन आती है, उनके अंदर तब्दीलियाँ आई, उनके अंदर म्यूटेशन आई, और उस म्यूटेशन के नतीजे में लाइफ एक फार्म से कई फार्म्स के अंदर जो है वो तब्दील होती नज़र आती है। फिर तीसरी एक बात जो उस जमाने में नज़र आ रही है वो ये है कि न्यू प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप जो है वो डेवलप हो रही है, न्यू के जो एग्जिस्टिंग थे वो चेंज हुए और नए प्रे वजूद में आए, नए प्रेडेटर वजूद में आए, और वो लाइफ की डाइवर्सिफिकेशन का जो है वो सबब बना और कई नई स्पीशीज वजूद में आई। लेकिन इसके साथ साथ एक बात जो यहाँ पे की जा रही है वो ये है कि जो कंसिस्टेंट इंक्रीज इन लाइफ था दैट वाज पंक्चुएटेड विद मैस एक्सटिंक्शंस, यानी बीच में वक्त से कहीं पे ऐसे हादसा हो रहे थे कि जब जिंदगी एक मैस स्केल के ऊपर इस सफ़ा हस्ती से नाबूद होती नज़र आ रही है, उनको हम मैस एक्सटिंक्शन का नाम देते हैं। तो ये बहुत दफ़ा ऐसा हुआ, गुजार ज़िंदगी जब एक रूह ज़मीन से एक दफ़ा मुकम्मल तौर पर नहीं लेकिन काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है तो नई जिंदगी वजूद में आती है, नई लाइफ फॉर्म जो है वो उस नई एनवायरमेंटल पैराडाइम में जो है वो नज़र आती हैं। अच्छा, लेकिन अगर सही तौर से देखा जाए ना तो जो एनिमल्स हैं ना उन्होंने 460 मिलियन साल पहले इस ज़मीन के ऊपर ठीक से कदम रखा और एक इम्पैक्ट पैदा किया। इम्पैक्ट का मतलब ये होता है जैसे खेत में अगर जानवर ना आए तो उस खेत की कैफियत और होती है, लेकिन उस खेत के अंदर जब एक चरवाहा अपनी बकरियां लेके आता है या जानवर लेके आता है तो फिर हम उसके बाद जाकर उस खेत को देखें तो आप कह सकते हैं कि द एनिमल्स हैव मेड इम्पैक्ट इन दिस फील्ड, यानी एनिमल के आने से जो किसी भी एरिया के अंदर या इकोसिस्टम के अंदर जो तब्दीलियां आती हैं उसको हम इम्पैक्ट का नाम देते हैं। तो ये इम्पैक्ट हमें तकरीबन 460 मिलियन साल पहले नज़र आता है, और फिर एनिमल्स के अंदर भी पहले इनवर्टिब्रेट थे फिर बाद में वर्टिब्रेट्स आते हैं, और वो वर्टिब्रेट्स जो हैं वो आपको बेटा आपकी अटेंडेंस जो है ना वो आप लिख लें, जैसे आप पढ़ लगाते हैं वो अटेंडेंस आप लिखें, समझ आ गई? ये वो अटेंडेंस एक बार दोबारा बता दें अटेंडेंस का। अटेंडेंस जैसे आप चैट बॉक्स में लिख के भेजते हैं ना, मैं देख रहा हूँ कि यू आर 64 बच्ची हैं जिन्होंने क्लास अटेंड की हुई, लेकिन जो आपके मैसेजेस हैं वो 51 है। उसका मतलब ये है कि आपने अभी तक जिन बच्चों ने अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं की है वो चैट बॉक्स के अंदर अपना नाम लिख के भेज दें तो वो उनकी अटेंडेंस शुमार होगी। ये बात मैं कर रहा था। ओके सर जी, प्लीज।
बात कर रहा था मैं आपसे कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन की। तो वर्टिब्रेट्स जो है ना, दे मेड ट्रांजिशन टू लैंड अराउंड 360 मिलियन ईयर्स अगो। इससे पहले जो वर्टिब्रेट्स थे उनके बारे में ये है कि वो ज्यादातर पानी में थे, यानी वो समंदर के अंदर थे, और वो लैंड के ऊपर जो वो लैंड किया उन्होंने या आए वो आज से 360 मिलियन साल पहले की बात है। उसके बाद एक और ईरा हम देखते हैं जिसमें 250 साल से लेकर 65 मिलियन साल पहले तक के दरमियान का फासला है। इसमें कोरल रीफ ज्यादा हुए, समंदरों के अंदर हम देखते हैं कि इन्वर्टिब्रेट जिनसे कोरल बनते हैं ना, वो ज्यादा उन्होंने इम्पैक्ट किया, बिकमिंग इंपॉर्टेंट मरीन इकोलॉजिकल निशेस फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स। मालूम है आपको कि जो मरीन कोरल रीफ्स होते हैं वो बनाते बेसिकली ये नीडेरियंस हैं, लेकिन वो इतनी तेजी के साथ कैल्सिफिकेशन करते हैं कि वो इतनी ज्यादा गारें सी बना देते हैं कि उसके नतीजे में उन गारों के अंदर रहने वाले बेशुमार मरीन वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। तो लिहाजा कहा कि इन्होंने मरीन इकोलॉजिकल निशेस बनाई फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, प्लीसियोसॉर्स और जो डायनासॉर्स हैं इनके इंसेस्टर रेप्टाइल जो थे वो रिटर्न टू वाटर वुलैंड से वापस पानी में गए, एंड ड्यूरिंग द मीजोजोइक के लिए डायनासॉर्स वर द डोमिनेंट टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स। जमीन के ऊपर जो है वो ज्यादा सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट डालने वाले वर्टिब्रेट्स थे ये हैं। तो रेप्टाइल आपको मालूम है ये कौन थे, डायनासॉर थे। एंड द फर्स्ट मैमल्स इमर्ज इस मीजोजोइक एरा के अंदर, हमें मैमल नजर आते हैं, इससे पहले नहीं थे। और ज़ाहिर है प्लांट्स और इंसेक्ट जो हैं उनकी डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो लास्ट में हम देखते हैं कि वो एरा जिसके अंदर आज हम हैं ये 65 मिलियन साल पहले से लेकर आज तक का जमाना है, और इसके कुछ खास किस्म की सूरत हाल है जिसके अंदर मैस एक्सटिंक्शन भी हमें नज़र आती हैं, पानियों के अंदर भी और टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ के अंदर भी। और इन एक्सटिंक्शन के अंदर जो है वो ज़्यादातर जो नॉन फ्लाइंग डायनासोर थे और मरीन रेप्टाइल थे ये सफ़ा हस्ती से हमेशा के लिए खत्म हो गए। मैमल्स का साइज बड़ा हो गया और उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की वो इकोलॉजिकल निशेस जहाँ पे पहले मैमल नहीं जा सकते थे, यानी वहाँ पे डायनासोर वगैरह थे, उन्होंने उनको ऑक्यूपाई किया, यानी वहाँ पहुँच गए जहाँ पहले दूसरे भी रहते थे। और ग्लोबल क्लाइमेट को ओवरऑल हम देखते हैं कि उसके अंदर कूलिंग आती है, यानी इसे लग ये रहा है कि पहले गर्मी ज़्यादा थी माहौल के अंदर, और इस जिस ईरा में हम रहते हैं इसमें गर्मी कम हुई है और ग्लोबल क्लाइमेट ओवरऑल जो है वो चेंज हो गया, ठंडा हो गया है। अब एनिमल बॉडी को अगर हम देखें तो जूलॉजिस्ट कैरेक्टराइज अकॉर्डिंग टू बॉडी प्लान ए सेट ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल ट्रेट्स। यानी मॉर्फोलॉजी कैसे है, हम स्ट्रेट खड़े हैं, हम हॉरिजेंटल हैं कि वर्टिकल हमारी स्ट्रेचर है, या हम गोल शक्ल के हैं, अगर हमें दरमियान से डिवाइड किया जाए क्या दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो सकते हैं किसी भी प्लेन से, या सिर्फ एक ही प्लेन से हम दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो सकते हैं। तो आमतौर पर जूलॉजिस्ट जब एनिमल को कैटेगराइज करते हैं ना तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हैं। और दूसरा यह है कि उनकी मॉर्फोलॉजिकल और डेवलपमेंटल ट्रेट जो हैं, मॉर्फोलॉजिकल तो दिखते कैसे हैं और डेवलपमेंट यह है कि जब वो उनकी जायगोट से आनवर्ड डेवलपमेंट हो रही होती है तो वो किन किन मराहल से गुजरते हैं, वो उनके डेवलपमेंटल ट्रेट्स होते हैं। अब उनको क्लासिफाई करने के लिए वो इन फीचर्स को इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद ये है कि द मोलेकुलर कंट्रोल ऑफ गैस्टुलेशन इज कंजर्व्ड अमंग डाइवर्स एनिमल ग्रुप्स। ये वो बात है कि हम जानते हैं कि जो आपकी बॉडी में को खास शेप देने में आपका मोलेकुलर कंट्रोल है ना, वो कंजर्व्ड है, यानी वो तब्दील नहीं होता है, वो मोर और लेस सेम होता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इंसान इंसान रहती हैं, बिल्ली बिल्ली रहती है, भैंस भैंस रहती है, बकरी बकरी रहती है। इसका मतलब यह है कि हमारा जो ओवरऑल प्लान ऑफ डेवलपमेंट है वो चेंज नहीं होता है। तो इस आइडिया को लेकर बहुत सारे जूलॉजिस्ट आगे बढ़ते हैं और इस वजह से उनको कंजर्वेशनिस्ट का नाम दिया, जो कंजर्वेटिव का नाम दे दिया गया है। तो ये बात होगी। अब यहाँ पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट शो किया गया है कि अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट यहाँ जो लगा है एक मोरूला नजर आता है और 32 सेल स्टेज के ऊपर गैस्टुलेशन है, अर्ली स्टेज है गैस्टुला आपको जहाँ नजर आ रहा है। एम्ब्रियोज विद बीटा
कैटेनिन एक्टिविटी। अब ये एक बीटा कैटेनिन एक प्रोटीन है जिसको ट्रेस किया गया है कि ये बेसिकली बहुत सारे इंडक्शन करती है, यानी जिसके नतीजे में डिफ्रेंसिएशन होती है। ये बीटा कैटेनिन प्रोटीन है जो काम करती है, तो अगर उसको ब्लॉक कर दिया जाए तो क्या फिर भी मोरूला या गैस्ट्रूला जो है वो वजूद में आ जाएगा? तो आमतौर पर उसका जवाब नफी में दिया जाता है कि नहीं आता है। इसका मतलब ये है कि ये कुछ ऐसी प्रोटीन्स हैं जो उनकी मोड ऑफ डेवलपमेंट को इंड्यूस कर रही होती हैं, चेंज कर रही होती हैं, या ऐसे कर रही होती हैं या वैसे कर रही होती हैं, तो उन फैक्टर्स को स्टडी करने की जरूरत होती है। एनिमल्स की सिमेट्री को अगर हम देखें तो हम दो तरह से उनको तकसीम करते हैं, या तो वो रेडियल सिमेट्री होती है एंड विद नो फ्रंट एंड बैक और लेफ्ट एंड राइट, दे रेडियल सिमेट्री, यानी उनका कोई सज्जा खबर नहीं होता है, उनका कोई फ्रंट बैक नहीं होता है। आप किसी भी जगह से आप उनको देखें ना तो वही उनका फ्रंट होता है। ये मिसाल मैं आपको देता हूँ कि जैसे पानी की बोतल ले लें जिसपे कोई वो ना चढ़ा हुआ हो, कवर ना हो, वो बिल्कुल राउंड होती है, गोल होती है। आप उसको किसी भी तरफ से देखें ना तो वो एक ही नजर आती है, वो एक जैसी नजर आती है। इस तरह की सिमेट्री को हम रेडियल सिमेट्री का नाम देते हैं, और वो यहाँ पे आपको जो टॉप पे नजर आ रही है ये रेडियल सिमेट्री है, जिसमें एक गमला है मसलन, यहाँ पे एक ग्राफिक शो की गई है कि आप इसको किसी भी एंगल से अगर आप तकसीम करें ना तो इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। लेकिन इसके मुकाबले में कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो रेडियल की बजाय बाइलेटरल सिमेट्री पोज करते हैं। उनमें यहाँ पे जो आपको पिंसर कला के साथ नजर आने वाला एक प्रॉन है, अगर आप उसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना चाहें तो उसके लिए एक ही प्लेन है, बिल्कुल ऐसे जैसे स्पेड उसके पीछे रखा है एक बेलचा सा, अगर आप उसको भी दो बराबर हिस्सों में तकसीम करेंगे तो एक ही प्लेन से काट सकते हैं। अगर आप उसे चेंज करेंगे तो फिर ये दो बराबर हिस्सों में तकसीम नहीं होगा। इस तरह की जो सिमेट्री है, खुद इंसान की अगर ले लेना, अगर आप चाहें कि एक इंसान को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करें और हर हिस्से में एक टांग भी आए, एक एक बाजू भी आए, एक टांग भी आए, एक आंख भी आए, तो उसको तकसीम करने का एक ही है कि बिल्कुल दरमियान से काटें। ये है बाइलेटरल सिमेट्री जिसको हम देखते हैं। इसी तरह से एनिमल्स को डिस्क्राइब करने के लिए उनकी एक डॉर्सल साइड होती है, हमारी डॉर्सल हमारी बैक साइड है, और जैसे जानवर होते हैं ना, मिसाल के तौर पर भैंस है, उसकी जो टॉप होती है उसकी डॉर्सल साइड होती है, और उसकी जो बेली साइड होती है वो आमतौर पर वेंट्रल साइड होती है, एंटीरियर सामने वाली है। हमारी एंटीरियर हमारी नाक की तरफ है और हमारी पोस्टीरियर हमारे पीछे की तरफ है, लेकिन आमतौर पर ये एंटीरियर और पोस्टीरियर उन एनिमल्स के लिए शो करते हैं जिनका हॉरिजेंटल पोस्चर होता है, हमारा वर्टिकल है। जिनका हॉरिजेंटल पोस्चर है ना, मिसाल के तौर पर भैंस को ले लें, उसकी जो मुंह साइड है, मुंह वाली साइड उसकी इंटीरियर है, जो टेल वाली साइड है उसकी पोस्टीरियर है। अच्छा, इसी तरह हेड को सिफेला या सिफेलस कहते हैं, और सिफेलाइजेशन कि उनका सर बनता कैसे है, ये भी एक मतलब सिफेलाइजेशन के हेड है या नहीं है, तो ये भी एक फीचर है जो आमतौर पर एनिमल्स को कैटेगराइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रेडियल एनिमल्स आर मोस्ट ऑफन सेसाइल और प्लैंकटोनिक। सेसाइल का मतलब ये होता है कि जो अपनी जगह पर फिक्स होता है और वो ज्यादा मूव नहीं करता है, वो रेडियल होता है। और प्लैंकटोनिक, प्लैंकटोन ये होते हैं कि वो पानी के अंदर ऐसे ही पानी के करंट के साथ, ये पानी के जो वो आपको वेव्स बनती हुई नजर आती हैं उनके साथ मूव करते हैं, उनको प्लैंकटोनिक कहते हैं, सेसाइल होते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में जो बाइलेटरल होते हैं जैसे मछली है, वो ज्यादा एक्टिव होती हैं एंड दे हैव सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बिल्कुल जैसे इंसानों में नजर आता है कि खुद हमारी अंदर वो एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है। अच्छा, टिश्यूज, टिश्यू का मतलब होता है कि ऐसी कलेक्शन ऑफ सेल जिनमें सेल एक तरह के हों और वो सारे सेल मिल के एक कोई बड़ा फंक्शन परफॉर्म करें, तो हम उस एग्रीगेशन ऑफ सेल को टिश्यू का नाम देते हैं। और ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो आमतौर पर कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं। ड्यूरिंग कोर्स ऑफ डेवलपमेंट थ्री जर्म्स लेयर राइज टू टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द एनिमल, जिनको हम मीजोडर्म का नाम देते हैं, एक्टोडर्म का नाम देते हैं। ये बेसिकली लेयर्स मुख्तलिफ टिश्यूज बनाती हैं जिससे हमारे ऑर्गन बनते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे इंटेगुमेंट्स है, हमारी जिल्द है, इसका बहुत बड़ा फंक्शन है हमारी बॉडी में,
और ये हमारी एक्टोथर्म से बनती है, लेकिन इसके मुकाबले में हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो एंडोडर्म से बनती है। इसी तरह बॉडी सीलोम है वो हमारी जो है वो मीजोडर्म से बनती है। तो ये सारे स्ट्रक्चर जो हैं वो इनसे वजूद में आते हैं। ये उमेरली, ये आपको क्या मसला है भाई, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, खत्म करें इसको। उमेर अली, आपने एनोटेशन की है, स्लाइड के ऊपर क्यों काम किया आपने? तो कल आपको मैं इनके जो लेयर्स हैं ना उसके बारे में कल आपको ब्रीफ करूंगा। अभी तक के लिए आपके पास अगर प्रश्न है तो आप उसको और दूसरा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी जो मुझे आवाजें आ रही हैं ये आमतौर पर इस तरह के नॉनसेंस स्टूडेंट होते हैं जो आमतौर पर अपनी फैमिली के साथ बैठ के ये पब्लिक में बैठ के क्लास अटेंड कर रहे होते हैं और अपनी वो मोबाइल को म्यूट भी नहीं करते कि चलें वो क्लास की आवाज़ मुझे सुनाई दे या ना दे। कम अज कम हमारी जो ये गैदरिंग की साउंड्स हैं ये तो क्लास में ना जाए ना, तो आइंदा से ये ख्याल करेंगे आप। थैंक यू सो मच सर। जी सर, ये आप ये वाली स्लाइड सेंड कर देंगे ग्रुप में? मैं आपको अपनी लेक्चर सेंड करता हूँ तो उसके अंदर ये सारी स्लाइड भी होती हैं। आपके पास नहीं है क्या सर? आप स्लाइड्स भी शेयर कर दिया करें ना सर, ये वाली स्लाइड ही है। ऐसा नहीं है, स्लाइड्स का आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, आपके लिए इम्पोर्टेंट सिर्फ लेक्चर है। जो सॉरी मैं आपको चैप्टर भेजता हूँ ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू। आपने तैयारी वहां से करनी है और वहीं से आपका एग्जाम होना है। उसको समझने के लिए ये मैं एक टूल इस्तेमाल करता हूँ और ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट होता है।